टमी टक एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसकी मदद से आपके पेट की लटकी हुई स्किन और स्ट्रेच मार्क्स को खत्म किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद पेट की लुक बहुत बेहतर लगने लगती है। तो आइए देखते हैं कि टमी टक सर्जरी क्यों और कैसे परफॉर्म की जाती है। ज्यादातर एक्सट्रीम वेट लॉस के बाद हमारी स्किन पेट और चेस्ट एरिया में लटकी हुई रह जाती है। ये स्किन अनकंफर्टेबल और बुरी लगती है, या फिर फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद पेट की स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाती हैं और स्किन ढीली सी हो जाती है। तो ऐसी स्किन को ठीक करने के लिए टमी टक का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। टमी टक प्रोसीजर के दौरान सबसे पहले क्लाइंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान दर्द फील ना हो। इसके बाद सर्जन पेट पर बिकनी लाइन के पास एक कट लगाता है और स्किन को खींचकर एक्स्ट्रा स्किन काट देता है। इसी दौरान सर्जन साथ में ही बेली बटन के लिए भी होल क्रिएट करता है। इस सब के अलावा बाजूका जरूरत के मुताबिक सर्जन एब्डोमिनल मसल्स को भी टाइट कर देता है और फिर स्किन को स्टिचेस की मदद से जोड़ देता है। सर्जरी के बाद क्लाइंट को कुछ दिनों के लिए सख्त फिजिकल एक्टिविटी से रोका जाता है। टमी टक सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद स्वेलिंग खत्म होने पर आपका पेट बहुत बेहतर दिखाई देने लगता है। बाकी सर्जरीज की तरह टमी टक सर्जरी में कुछ रिस्क शामिल होते हैं, जैसा कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, स्कारिंग वगैरह। अगर आपको कोई इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो रही हो तो अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें।